अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बीना फूड एंड ब्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की टेस्टी यहाँ पर फिश फ्राई और फिश का सालन। जैसे कि हम इनको स्मेल दूर करने के लिए एक साथ हम इसको पानी, विनेगर और सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हम यहाँ पर इसको थोड़ी देर आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है बिल्कुल से दूर हो जाए। सीजन आ चुका है फिश का, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और विनेगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 लीटर वाटर में। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम आधे घंटे पानी में भीगे रहने देंगे। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि सॉल्ट जो इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। और ये 1 लीटर पानी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। और इसके अंदर विनेगर डालेंगे, 2 टेबलस्पून डालेंगे विनेगर। टू टेबल स्पून यहाँ पर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और बहुत ही मज़े की टेस्टी यहाँ पर घिसर फिश है। ये घिसर फिश है, इसकी एग्जाम जो है वो घिसर फिश वाली है। और रेसिपी को स्टार्ट करेंगे आधे घंटे के बाद। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपसे रेसिपी मिस हो जाएगी। और इसी तरह से आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। कौन कौन से मसाले और कितने कितने मसाले ऐड होंगे वो हम आपको साथ साथ रेसिपी के दिखाते जाएंगे। सालन और फ्राई फिश, सालन वाली फ़िश और फ्राई मसाला फ़िश जो हम बनाएंगे उसके लिए हम सालन वाली के लिए हम यहाँ पर लेंगे 4 से 5 दरमियानी साइज़ की प्याज। हम ब्लेंडर करेंगे, कच्ची प्याज को ब्लेंडर करेंगे और इसके साथ हम और मसाले भी ऐड करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। इसके साथ साथ हम हरी मिर्ची का मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की होती है, टेस्टी इसका टेस्ट होता है। फ़िश के अंदर तो बहुत ही मज़े का होता है, कोई और खट्टी चीज़ आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर खट्टी इंग्रीडियंट्स मिली हुई होती हैं। तो इसके साथ साथ फ्राई फिश मसाला ऐड करेंगे। इस हरी मिर्ची को पेस्ट बनाएंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। हरी मिर्ची हमने इसलिए ज़्यादा से ली है क्योंकि हम ये वाली हरी मिर्चियों का जो छोटी और बड़ी हरी मिर्ची जो है इसका पेस्ट जो है हम सालन वाले में भी ऐड करेंगे और हम फ्राई मसाला फ़िश में भी ऐड करेंगे। फ्राई मसाला फ़िश को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और आप चाहें तो रात भर भी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और रात भर भी मसाला डाल कर डिफ्रीजर कर दें तो उसको बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। तो इसके अलावा हम और भी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। वॉश करेंगे, स्ट्रेनर में वॉश करेंगे और स्ट्रेनर में ही हम इसको रख देंगे ताकि अच्छे से पानी जो है इसका ड्रेन हो जाए। यहाँ पर मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है और गारंटी है कि आपने इससे पहले इस तरह की फ़िश कभी नहीं खाई होगी, कभी देखी नहीं होगी, कभी बनाई नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मसालों को ब्लेंडर कर लेते हैं। इस मज़ेदार से फिश को हमने अच्छे से वॉश कर लिया, पानी इसका ड्रेन कर लिया पूरा। अब इसके बारे में लगाते हैं मसाला कट में और अच्छे से इसकी पूरी फ़िश पर जो है हम टॉपिंग करते हैं। अब यहाँ पर ऐड करते हैं हम 2 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है और यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। साथ साथ आपको और मसाले भी दिखाते हैं कौन कौन से ऐड होंगे। अब यहाँ पर हमारे मेन मसाले जिसको मिलाकर फ़िश के अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है क्रंची बनाने के लिए, हमने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर लिया है हमने अजवाइन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून। रायदाना लिया है 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है। और हमने सॉल्ट लिया है, ये है शान फिश फ्राई मसाला। और यहाँ पर हमने ऐड करना है हरी मिर्चों का मसाला, चटपटा खट्टा सा। आप चाहो तो यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो और इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। मज़ेदार इसको और चटपटी बनाने की नहीं खट्टी। यहाँ पर मैंने इन सारे सूखे मसालों को पहले मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट जो होता है ना उसका थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो मैंने ऐड कर लिया। तो इसको जो है ना मसाला लगाने में ना कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान सी और मज़े की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, टेस्टी रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर अब मैं मसाला इसके जो कट लगे हुए हैं ना उसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा दूंगी यहाँ पर सारी फिश के अंदर। और इसे आप चाहो तो 2 घंटे जितना भी टाइम आपके पास हो आप रख सकते हो इसे। मैं यहाँ पर रखूँगी इसे आधे घंटे के लिए क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनती है, फैमिली की चॉइस है यहाँ पर। तो जल्दी से इसको बना के हम जो है ना फ्राई करेंगे क्योंकि फैमिली जो है ना बहुत मज़े से खाती है। तो बोल रहे जल्दी से बस हमें बना के दे दें, खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है मसाले के अंदर। तो हमसे मसाला देख के ही रहा नहीं जा रहा है क्योंकि इतनी चटपटी और इतनी क्रिस्पी बनती हैं तो बहुत मज़े की होती है। इसी तरह हम सारी फिश में मसाला लगा लेंगे।
नमक हमें जो लेना है वो नॉर्मली लेना है, देख के लेना है, क्योंकि शान पैकेट मसाले में भी, फिश फ्राई मसाले में भी, शान के पैकेट में भी नमक है, इसीलिए हमने थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है इसके, ताकि नमक तेज़ ना हो जाए, तेज़ होगा तो खाया नहीं जाएगा, हल्का खा लिया जाता है, नमक तेज़ नहीं खाया जाता है, तो इसलिए हम नमक जो है वो देख के डालना है, ठीक है। तो अब मैंने सारी फिश पे यहाँ पर मसाला लगा के रख दिया, इसे हम रखते हैं साइड में फ्रीज़र में, और हम यहाँ पर हम रखते हैं मसाले वाली ग्रेवी वाली सैलड वाली फिश आपको बना के दिखाते हैं किस तरह बनाएंगे, वो भी एक रेसिपी न्यू है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली, ट्राई कीजिएगा और अपना कॉमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इस तरह की फ़िश आप जब खाएंगे ना तो अपना हाथ रोक नहीं पाएंगे। अब मैं बना रही हूँ सालन वाली फ़िश, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी ऐड करूँगी यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी। इसे हम फ्राई कर लेंगे और इसकी ग्रेवी जो है अलग बनाएंगे। मसाला मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं ताकि फ़िश के अंदर मसाला भी जो है नमक जो है ना ऐड हो जाए, मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए। मैंने जो फ्राई मसाला फ़िश के लिए मसाला बनाया था ना, उस फिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। आप ये टिप्स जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है ना, कि फ़िश जो है ना किस तरह से स्मेल दूर करते हैं फिश की, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की आँच पर रखा हुआ था, ऑयल ऑयल गर्म हो चुका है, 1 वाला स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी प्याज का पेस्ट जो हमने ब्लेंडर कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चमचा चलाते जाएंगे, इसे लाइट सा पिंक जो है फ्राई कर लेंगे, इसके बाद और मसाले ऐड करेंगे। अभी देखिए प्याज की स्मेल जो है कच्चेपन की जो होती है बिल्कुल से दूर हो चुकी है, हमने इसे फ्राई कर लिया है। और अब यहाँ पर ऐड करते हैं हम हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, वो ऐड कर लेंगे, इसे फिर से फ्राई करेंगे सारे मसालों के साथ में। अच्छा सा मसाला बनाएंगे फिश का, जो कि अमूमन तमाम घर के मसाले जो हैं डेली बेस पर जो है वो घर पर होते हैं, स्टाइल चेंज होता है, ये वाला स्टाइल जो आप पहली बार बनाएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। साथ साथ मैं शामिल कर लेती हूँ यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून है यहाँ पर हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, क्योंकि मसाला बनाना है अच्छा सा, और यहाँ पर है पिसी हुई लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने फिश में भी फ्राई करने के लिए अलग से सालन के लिए डालनी है तो इसलिए तेज़ ना हो जाए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक है। मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। खुशबू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्चों की फ्राई करने की आ चुकी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगी। हरी मिर्चें फ्राई करने की जब स्मेल खुशबू आती है ना सालन में, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े की होती है, फिर रहा नहीं जाता कि ज़्यादा जल्दी से खा लो मसाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़र हुआ हुआ था, ये भी मेल्ट हो जाएगा इसके साथ साथ। यहाँ पर हमने लिया है 1 स्पून ये वाला। अच्छा सा मसाला बना रहे हैं ना हम, ऑयल पूरे पहले तवे पे लगा दिया ताकि फ़िश जो है ना वो लगे ना। अब इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे अलग से, और ये वाली फ़िश जो हमने मसाला लगा के रखी थी ना वो हम फ्राई कर लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने और ऑयल ऐड कर दिया है, तो ये देखिए लग रही है ना मज़े कितनी टेस्टी लग रही है, देखते ही मुँह पानी आ रहा है। अगर ऑयल कम लगे ना तो साइड से आप लोग भी जो है ना इस तरह से ऑयल लेके और साइड से डालते जाएँ, फिर इसे 2 सेकंड के बाद जो है हम पलट लेंगे, और बहुत ज़्यादा देर तब से हमें इसे नहीं फ्राई करना है, थोड़ी ही देर बस फ्राई करना है, मिनिमम 5 मिनट। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो है ना इस तरह से प्रेस कर लिया है ताकि ये अच्छे से मसाले में जज हो जाए और हमारा जो है मसाला वो अच्छे से बन जाए, खुशबू आने लगी है फिश फ्राई की मज़े सी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 महल खुशबू जा रहा है, इस तरह की फिश यहाँ पर तैयार हो रही है। बना के देखिएगा फिर आपको भी आइडिया होगा कितनी मज़ेदार बनती है, मेरा भी दूर तक खुशबू जाती है। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है दही और इसे हम मिक्स कर लेंगे कौड़ी से मसाले के साथ में, और यहाँ पर अभी जो है ना फ्लेम वो है स्लो, तो हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में जो है फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रख के और इसे हम मसाले को भून लेते हैं। 10 मिनट तो हमें हो गया मसाला भून के, अब हम दही के साथ मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ पर जो है मसाला जो है कम्प्लीट हो चुका है, दही के साथ मिला के हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं इसके अंदर, अब हम फिश फ्राई करके मसाले के साथ ऐड करेंगे। आपको शोरबा रखना है आप शोरबा रखिएगा, मिनिमम लिक्विड फिश रखनी है आप ग्रेवी, तो आप लिक्विड रखिएगा। अगर आपको भुना भुना सालन के साथ ग्रेवी रखनी है तो
जो है इसे थिक भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने ना यहाँ पर ऑयल बढ़ा दिया है क्योंकि ये वाला ऑयल जो है ना फिश फ्राई का बहुत मज़े का टेस्टी होता है जब हम ग्रेवी के अंदर ऐड करते हैं ना, क्योंकि ग्रेवी में मसाला जो है ना अमूमन मसाला भूनते भूनते थोड़ा मसाला कम हो जाता है। मसाला मैंने ऑयल मैंने कम ही डाला था तो ग्रेवी में जो है ना ऑयल कम हो जाता है मसाला भूनते भूनते, तो ये वहाँ पर हमने ऑयल जो है ज़्यादा कर दिया है क्योंकि फ़िश की खुशबू के साथ साथ जब वो ऑयल मसाले में ऐड होगा ना तो बहुत ही कमाल का टेस्ट देगा। तो यहाँ पर मसाले के साथ साथ ऐड करूँगी मैं फ़िश फ्राई मसाला, वो भी थोड़ा सा ग्रेवी में ऐड कर लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, टेस्ट अच्छा आ जाएगा, खाने में भी फिर मज़ा आएगा। ऑयल आता जा रहा है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर मैं मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हाफ कप मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। इस मसाले को हम पानी के साथ खौलाएँगे, उसके बाद फिर हम फिश को यहाँ पर ऐड करेंगे और मिनिमम 5 से 10 सेकंड हम फिश को जो है दम पर लगाएंगे क्योंकि फिश का फ्राई है ऑलरेडी, ताकि मसाले के साथ जज्ब हो जाए यहाँ पर ग्रेवी के साथ, फिर हम उसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अब मैं ऐड करती जा रही हूँ यहाँ पर फिश। यहाँ पर मैंने सालन वाली फ़िश बनाने के लिए फ़िश और ऑयल दोनों ऐड कर दिए, ऑयल वो वाला जो हमने फ़िश के साथ भी फ्राई किया था मसाले के साथ वो सारा ऑयल ऐड कर दिया, चमचा नहीं चलाना है। और फ्राई पैन को इस तरह से हाथ से कपड़े की मदद से और हाथ से हम जो है ग्लव्स लेके और अच्छे से हिला लेंगे मसाले के साथ फ़िश को। 5 से 10 सेकंड के लिए मैंने पैन को हिला के अच्छे से और इसे ऊपर नीचे कर दिया है फ़िश को, बस मिनिमम 5 सेकंड आँच पे इसको रखना है चूल्हे पर, फिर फ्लेम ऑफ कर देना है। तो फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है, देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर हमारी प्यारी सी मज़े की टेस्टी रेसिपी सालन वाली फ़िश तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम मसाले वाली फ़िश जो है फ्राई करेंगे और इसे हमने आधे घंटे रखा था और आधे घंटे के अंदर हमने सालन वाली फ़िश भी तैयार कर ली है, आधे घंटे के अंदर हमने चपातियाँ भी तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, उसमें ऑयल डाल दिया है, मैंने फिश यहाँ पर डाल दी है फ्राई करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो मसाला लगा के फिश रखी थी डिफ्रीज़र में, उसे हम बेसन से अब जो है ना मैरिनेट कर रहे हैं, और बेसन लगा के सूखा बेसन लगाना है, उसे फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने बेसन लिया है और यहाँ पर अच्छे से इसको मैं जो है मैरिनेट कर रही हूँ और फिर हम इसे फ्राई कर लेते हैं मज़ेदार सी। इस तरह से मसाला जो है हमारा अच्छे से जज्ब हो जाएगा और खाने में भी क्रिस्पी और ये टेस्टी लगेगी बहुत ही मज़े की। तो अब ये देखिए यहाँ पर बेसन लगा के मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया, इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त कोड़ वाली चीज़ यहाँ पर तैयार होती है, मसाला इतना मज़े का बन रहा है यहाँ पर और ये फ्राई हम करते जा रहे हैं। आई होप यू लाइक माई 2 रेसिपीज है, एंजॉय रेसिपी। ये मैंने मज़ेदार से फिश जो है फ्राई कर ली है, यकीन आपको नहीं पानी आ रहा है, और चाट मसाला लेमन जूस सलाद रायता चटनी के साथ खाएँ से मिलेगी। तो ये देखिए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से फिश यहाँ पर तैयार, ये चीज़ मैंने सारी सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम सर्विंग करने वाले हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की टेस्टी यहाँ पर खुशबू आ रही है, फ्राई हुई है, टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़े का है यहाँ पर। आई होप आप इन्जॉय ज़रूर करेंगे, इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ, चपाती के साथ खाएँ, ज़ीरा राइस के साथ खाएँ, ये वाले फ़िश के सालन को बहुत मज़े का टेस्टी लगता है, नाश्ते दोपहर के खाने और रात के खाने में खाएँ, इसे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इस मछली का। 2 रेसिपीज़ मैंने आपको दिखाई हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।